अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, तो क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है इस्तिशाम अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इस्तिशाम प्लस अली। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप लोग इंडिया पाकिस्तान में रह के या किसी भी कंट्री में रह के यूके में जॉब आप लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट हाउ टू गेट जॉब इन यूके। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करूँगा, ठीक है, डिटेल में कि आप लोगों को क्या मतलब के चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी यूके में जॉब ढूंढने के लिए। मैं आप लोगों को वेबसाइट बताऊँगा जो आप लोग जिस वेबसाइट से आपने जाके जॉब फाइंड करनी है, और रजिस्टर लिस्ट दिखाऊंगा जो स्पॉन्सर हैं यूके के, उनकी लिस्ट दिखाऊंगा कि कौन कौन आपको स्पॉन्स कर सकते हैं। जो रजिस्टर स्पॉन्सर लिस्ट है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाऊंगा, और प्रॉपर मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरीके से आप लोग यूके में जॉब फाइंड कर सकते हैं। आप लोग किसी भी कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या नेपाल वगैरह या अफगानिस्तान, किसी भी कंट्री में रहते हैं। अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि हम इस YouTube चैनल पे ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड और वीज़ा से रिलेटेड और काफ़ी नई नई वीडियोस लाते रहते हैं। मेरा नाम है इस्तिशाम अली और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल इस्तिशाम प्लस अली। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊँ, एक लिस्ट है जो पूरी स्पॉन्सर लिस्ट है, जिसके अंदर आप लोगों को स्पॉन्सर वगैरह के सारा कुछ मैं आप लोग कंप्यूटर की स्क्रीन पर पहले लेके चलता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, इधर से आप लोगों ने मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, रजिस्टर ऑफ स्पॉन्सर वर्कर एंड टेम्परेरी वर्कर, ठीक है, ये एक पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स। इससे आप लोग देखें, ये आप लोग देखें, यहाँ पर कंपनीज वगैरह के जो नाम वगैरह वो आ रहे हैं, ये उनकी सिटी आ रही है किस कंपनी में, ठीक है। और ये आप लोगों को मतलब वर्कर इस वीज़े पे मतलब स्किल्ड वर्कर देख लें, आप लोगों को ये बुला सकती है। इसमें आप लोग अपनी जो रिलेटेड है, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग अगर कंस्ट्रक्शन मतलब किसी भी जॉब करते हैं, आप लोग कोई भी जॉब करते हैं, कोई मैनेजर है या कोई भी आप लोगों की पोस्ट है किसी ऑफिस में, आप लोग कोई भी जॉब कर रहे हैं, नर्स हैं, कुछ भी हैं, ठीक है फ्रेंड्स, मतलब कोई भी आप लोगों की जॉब है, तो आप लोग उससे रिलेटेड मतलब अगर आप लोग स्पॉन्सर ढूंढने लगेंगे, ठीक है, जाहिर बात है आप लोग स्पॉन्सर ढूंढेंगे, ठीक है, इंटरनेट पर जाके उसको आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये स्पॉन्सर जेन्युइन है या नहीं। ये पूरी लिस्ट है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि 30,000 से ज़्यादा, 30,000 अबव जो लोग हैं वो इस वेबसाइट पे हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड हैं, जो वीज़ा दे रहे हैं, ठीक है। पहले फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये और कंट्रीज़ को वीज़ा देते थे, मतलब कि जैसे माल्टा हो गया, उसके बाद स्वीडन, मतलब कि यूरोपियन कंट्रीज़ वगैरह को ये वीज़ा दिया करते थे। लेकिन अभी रूल एक जैसे, अगर अब ये पाकिस्तान से या किसी भी इंडिया वगैरह से कोई भी बंदा अगर हायर करते हैं तो इन लोगों का उतना ही खर्चा आता है जितना के यूरोपियन कंट्री से ये मंगवाते हैं, उतना ही खर्चा इन लोगों का आता है। लेकिन इन लोगों को अब ये फ़ायदा है फ्रेंड्स, हम लोगों को ये फ़ायदा है कि हम लोग जॉब ले सकते हैं, क्योंकि अब सिस्टम एक ही हो गया है, ठीक है, पॉइंट बेस्ड सिस्टम है फ्रेंड्स। मैं आप लोगों को सारा कुछ बताऊँगा इस वीडियो में ही। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप लोगों को सीवी एक अच्छी सी बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस जॉब को अप्लाई करने के लिए एक अच्छी सी सीवी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास कोई एजुकेशन या डिग्री है, ठीक है, जिस जॉब आप ढूंढ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप लोगों ने देख लेना है एम्प्लॉयर वगैरह को, उस जॉब को पढ़ लेना है भाई इसमें पढ़ाई चाहिए, तालीम चाहिए या नहीं चाहिए, उसके मुताबिक आप लोगों ने फिर जॉब अप्लाई करनी है। आइट्स वगैरह का फ्रेंड्स मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो कुछ लोग आइट्स मांगते हैं, कुछ लोग नहीं मांगते, लेकिन आप लोग कर भी लें तो वो इतने मुश्किल नहीं है। मैं आप लोगों को बताता चाहूँ कि 4 पॉइंट आप लोगों को 5 बैंड चाहिए होंगे, इससे रिलेटेड आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आप लोगों को किसी भी जॉब के लिए मतलब छोटी मोटी जॉब या किसी भी जॉब के लिए आप लोगों को मतलब बोलना आना चाहिए, किसी की बात समझ लें, उसकी बात आप समझिए और अपनी बात समझा सके, ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं आप लोगों को वेबसाइट दिखा देता हूँ कि आप लोगों को कौन सी वेबसाइट से जॉब्स वगैरह मिल सकती हैं, ठीक है। उसके बाद भी मैं आप लोगों को काफ़ी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप बाय स्टेप। आपने इंडीड लिखना है, ठीक है, अपने किसी भी ब्राउजर में जाके इंडीड लिख देना है, ठीक है। ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देखें जैसे क्लीनर जॉब आ गई, ठीक है, क्लीनर जॉब पार्ट टाइम स्कूल मतलब इवनिंग, काफ़ी मतलब जॉब्स आ गई हैं, ठीक है, मैं इसे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये आ गई, ठीक है, नंबर फर्स्ट पे ये है ये फ्रेंड, ठीक है, जॉब, ठीक है, फैक्ट्री क्लीनर। आप लोग इस पे जाएं, ठीक है, इस पे आप लोग जाएं,
इस जॉब की सारी डिटेल इधर आ जाएंगी, ठीक है, साइट पे डिटेल आएंगी, आप लोग वो सारी डिटेल पढ़ें, चेक करें ये बंदा स्पॉन्स कर रहा है नहीं कर रहा, उसके मुताबिक आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं आप लोगों को कोई भी चीज़ इस वीडियो में फेक नहीं बताऊंगा, जो सच्चाई है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो इस वीडियो से, आप लोगों का टाइम भी ज़ाया ना हो, ठीक है। आप लोगों ने पूरी ये रीड कर लेनी है, ठीक है, आप लोगों ने ये रीड कर लेनी है, इनको अपनी CV ईमेल कर देनी है, फिर ये आप लोगों को रिप्लाई देंगे। क्योंकि अगर अभी कुछ कंपनीज हैं जिनको ज़्यादा वर्कर्स चाहिए होते हैं, ठीक है, 400 चाहिए होते हैं, फिर वो पूरे नहीं कर सकते, फिर वो और कंट्रियों से मंगवाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, और कंट्रीज से, जैसे पाकिस्तान हो गया, एंड क्योंकि ये वर्कर उनको सस्ते पड़ते हैं, अगर वो यूरोपियन कंट्री से मंगवाए उनके काफ़ी ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इस चीज़ में अगर आप लोगों का कोई मतलब कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या मैनेजमेंट की आप लोगों की कोई फील्ड से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को जॉब मिलना ज़्यादा आसान हो जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोग प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डर या इस तरह भी हैं, तो आप लोग जॉब फाइंड करें, अपनी CV बनाएं, ठीक है। पॉइंट बेस में मैं आप लोगों को बताता चलूँ, आप लोगों को इंग्लिश चाहिए होगी, ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप लोगों को अपनी रिलेटेड जॉब से रिलेटेड डिप्लोमा वगैरह आप लोगों को चाहिए होगा, ठीक है, 2 साल का डिप्लोमा आप लोगों को चाहिए होगा, और थोड़ी बहुत आप लोगों को और चीज़ें चाहिए होंगी फ्रेंड्स, वो अगर मैं डिटेल में बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें फिर वो रह जाएंगी, लेकिन डिप्लोमा चाहिए होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर वगैरह ये चीज़ें आप लोगों को चाहिए होंगी, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं फ्रेंड्स के आप लोगों को जो और चीज़ें चाहिए, ठीक है, मैं ज़रा, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को तकरीबन काफ़ी इंफॉर्मेशन दी है इस वीडियो में, वेबसाइट भी मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है, अपनी तरफ से काफ़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देने की कोशिश की है, एक्सपीरियंस वगैरह के बताया है, और सारा कुछ मैंने अपनी तरफ से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। बाकी फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताऊं, जब आप लोगों को स्पॉन्सर हायर करेगा तो वो आपको एक रेफरेंस नंबर देगा, ठीक है, फिर आप लोगों ने वो एम्बेसी में जाके उधर से वीज़ा अप्लाई करना होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ये थोड़े बहुत आप लोगों को पासपोर्ट, आईडी कार्ड, ये वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के चाहिए होंगे, जो आप लोगों को पता है किसी भी वीज़े के लिए चाहिए होते हैं। इसमें मैं आप लोगों को बताता चलूँ फ्रेंड्स कि आप लोगों की जो सैलरी है वो कम से कम 25,000 पाउंड होनी चाहिए, ठीक है, 25,000 पाउंड से ऊपर होनी चाहिए, फिर आप लोग, यानी कि मंथली की अगर हम बात करें तो 2500 आपकी सैलरी होनी चाहिए, फिर आप लोग वीज़ा लगने के, फिर आप लोगों को वीज़ा इजीली मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगा कि पॉइंट्स बेस सिस्टम किस तरह काम करता है, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी वीडियो, ये अगर मैं इसमें बताऊँ तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, तो वो मैं एक अलहदा से वीडियो बताऊँगा, उसके अंदर आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम काम करता है और आप लोग किस तरह पॉइंट बेस्ड सिस्टम के थ्रू वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स टेम्परेरी वीज़ा हो सकता है, ठीक है, टेम्परेरी वर्कर एंड Tier 2 वीज़ा आप लोगों को मिलेगा, और काफ़ी आप लोग और भी वेबसाइट हैं, ठीक है, मैंने आप लोगों को ये जो सबसे अच्छी वेबसाइट है UK की ये मैंने आप लोगों को बताई है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को इस वीडियो को ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। मेरा नाम है श्याम अली, मिलेंगे अगली वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम।